हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट टाउन। आज हम बात करेंगे गोंड आर्ट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं गोंड आर्ट के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। गोंड आर्ट इंडिया की फेमस ट्राइबल फोक आर्ट है, जो गोंड ट्राइब या गोंड जनजाति से आई है। गोंड इंडिया की लार्जेस्ट आदिवासी कम्युनिटी है, जो MP में मोस्टली पाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। गोंड एक वर्ड कोंड से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन या हरे भरे पहाड़। तो क्योंकि ये ट्राइब जंगलों में रहते हैं, इसलिए इनके पेंटिंग्स नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और जंगली जानवर इनकी पेंटिंग का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनकी लगभग सभी पेंटिंग्स में ट्री बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं ट्री बनाना ही आपको सिखा रही हूँ। गोंड जो ट्राइब होती है, उसके लिए महुआ ट्री बहुत खास है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इस ट्री का हर एक भाग, चाहे वो लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर्स, ब्रांचेस, रूट, उसकी वुड, बार्क, ये सब यूज़ होता है। इवन उसके एशेज भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये लोग उसकी पूजा करते हैं और अपनी पेंटिंग में, चाहे एनिमल की भी बना रहे हो, तो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में आप देखोगे कि ट्री ज़रूर होगा। तो ट्री बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस वाले ट्री में मैं जो बता रही हूँ, इसमें देखिए थ्री, हर एक एंडिंग आप कर रहे हो तो थ्री ऐसे ब्रांचेस हैं, और उसमें ऐसे गोल लीव्स बनाते हैं। लीव्स का एक पैटर्न होता है गोलाकार, ऐसे ओवल सी थोड़ी बनती हैं। ट्री किसी भी शेप में हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्री हैंड बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती हैं। अब ऐसे बीच बीच में हम कहीं कहीं पर फिर से ऐसे लीव्स को बना सकते हैं। ऐसे मेन ब्रांच से हम छोटे ब्रांचेस और निकाल सकते हैं, वहाँ पे लीव्स को सेट कर सकते हैं। दूसरे स्टाइल में हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। टू टर्न्स दिए और एंडिंग में फिर से, तो ये ऊपर का जो भाग है फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और बीच में से फिर से यहाँ पे लीव्स निकाल देंगे। इनको कलर करने का भी कुछ पैटर्न होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब हम जानेंगे कि कलरिंग कैसे की जाती है। अब जैसे यहाँ पे टू थे, यहाँ पे हमने थ्री बनाए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन कर सकते हैं ब्रांचेस का, कि आपको टू रखनी है या थ्री रखनी है। अब यहाँ पे टू के बीच में फिर से टू टू लीव्स को सेट किया है। ऊपर वाले ट्री में थ्री थे और उसके अंदर हमने वन वन लीव्स को सेट किया था, इसमें टू टू लीव्स को सेट कर रहे हैं। फिर से आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं लीव्स, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। मोस्टली आप देखोगे कि लीव्स ऐसे ओवल ही होती हैं। ये एक और डिफरेंट स्टाइल का है, इसमें हर एक ब्रांचेस में ऐसे थोड़े थोड़े से स्पाइक्स जैसे निकाल दीजिए। शेप आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली ट्री का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, आप कहीं से भी ब्रांचेस निकालिए, कहीं से भी लीव्स निकालिए।
अब ये जो स्पाइक्स हैं इनके बीच में फिर हम लीव्स बनाएंगे। ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो सारा ट्री उसी स्टाइल में बनाइए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।